कांग्रेस पार्टी ने अपना 136वां स्थापना दिवस मना लिया है। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में शुमार कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य एओ ह्यूम ने की थी। दादा भाई नौरोजी और दिनशा बाचा भी संस्थापकों में शामिल थे। संगठन का पहला अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। उस समय कांग्रेस के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आपको बता दें कि आजादी के बाद से लेकर 2014 तक 16 आम चुनावों में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि 4 बार सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कांग्रेस सर्वाधिक समय तक सत्ता में रही। इस पार्टी को देश में 7 प्रधानमंत्री देने का श्रेय जाता है। इनमें पंडित नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीबी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह हैं। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक कांग्रेस नीत यूपीए की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय वर्ष 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा भी की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दिल्ली में किसान आंदोलन चला हुआ है, वो इसलिए कि सरकार ने जो इनके विरुद्ध जो 3 रूल पास किए हैं, किसान चाहते हैं कि ये रूल नहीं बनने चाहिए और इसके पीछे जो बड़े उद्योगपति हैं जिसके लिए सरकार भी उनके पक्ष में है, और जाइए हरियाणा में बड़े बड़े गोडाउन उन्होंने बना दिए हैं और सरकार इसलिए नहीं मान रही कि उनका इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ है। किसान जो है अनाज पैदा करता है, रोटी देता है, और किसान के बगैर हम अधूरे हैं। तो इसलिए हम सरकार से एक गुजारिश करना चाहते हैं, किसानों की बात उन्हें माननी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि एक बार ऐसा ही एजिटेशन दिल्ली में हो रहा था जिसके किसानों के लीडर महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनका इससे बड़ा एजिटेशन दिल्ली में चल रहा था। तो उस वक्त कांग्रेस सरकार दिल्ली में थी और राजीव गांधी जब महेंद्र सिंह टिकैत के पास मिलने के लिए आए, उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत से बात की। उन्होंने जो महेंद्र सिंह टिकैत ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारी मांगे, उनको तुरंत राजीव गांधी ने माना। तो ऐसी बात इस गवर्नमेंट में होनी चाहिए। मोदी जी को मानना चाहिए कि किसान हमारे हैं और किसान हमारे हित के लिए काम करते हैं, हमें अनाज पैदा करके देते हैं और जिसका निर्यात हम बाहर के देशों में करते हैं। तो किसानों की बात इनको माननी चाहिए, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी, उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना का गठन किया, उन्होंने कहा कि आप हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, उस देश में कांग्रेस ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जहाज तक, ट्रेन, एम्स, आईआईटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब कांग्रेस ने किया। 28 दिसंबर
1885 को कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, जिसके संस्थापक के ए होम जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बने, उसके बाद दादा भाई नेरोजी जी बने, सुभाष चंद्र बोस जी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे इस महान पार्टी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी का ऐसा इतिहास है कि इसमें ईसाई भी अध्यक्ष रहे, मुसलमान भी अध्यक्ष रहे, हिंदू भी अध्यक्ष रहे, पारसी भी अध्यक्ष रहे, यानी सभी धर्मों के इस पार्टी के अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी की एक मिसाल थी कि उन्होंने पार्टी के लिए जो अध्यक्ष और दूसरे नेता थे, उन्होंने पार्टी के लिए मजबूत होके पार्टी को चलाया और पार्टी को मजबूत और स्ट्रॉन्ग किया। 1915 में महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में थे वो आए, उनका सहयोग भी कांग्रेस पार्टी को मिला और उन्होंने जो दांडी यात्रा शुरू की उसे भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती मिली। कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया और पार्टी को आगे ले जाने का प्रयत्न किया, इनके पार्टी का सही मकसद ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे जो अंग्रेज इंडिया में आए थे उनको भगाने के लिए, उनको बाहर से बाहर जाने के लिए उन्होंने पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया।